नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने अनंत मूल का पौधा लेकर आया हूँ। दोस्तों इस अनंत मूल को सरीवा भी कहा जाता है और अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम भी हैं। दोस्तों अनंत मूल जड़ी बूटी जग प्रसिद्ध है, इसे बहुत सारे बीमारियों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस अनंत मूल का जड़ जो है कफ वात पित्त तीनों दोष पे काम करता है। अभी यह पौधा छोटा है, बच्चा है, क्योंकि बरसात की शुरुआत में यह पैदा होता है और धीरे 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 यह बड़ा होता है और इसमें फली भी लगते हैं लंबे लंबे, लेकिन अभी फली फूल कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और हाँ दोस्तों, यह भी एक बेल नुमा पौधा होता है जो कि काफी दूर तक फैलता है। ये समझ लीजिए यह भी किसी न किसी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ता है या फिर जमीन पे ही फैलता है। करीबन दोस्तों 15 से 20 फुट तक बेल इसका सिर्फ जमीन में फैल जाता है। और हाँ दोस्तों, जब यह छोटा रहता है तो इसके पत्ते थोड़े चौले और गोल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह बेल बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके पत्ते जो है पतले होते जाते हैं, लंबे होते जाते हैं। तो दोस्तों अनंत मूल का जड़ बहुत सारे बीमारियों में उपयोग किए जाते हैं, तो वह बीमारी कौन कौन सा होता है वो सब मैं आपको बता दूं, ध्यान पूर्वक आप सुनिए। तो दोस्तों वात रोग में पैदा होने वाले जितने भी बीमारी हैं मैं उनका नाम आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक बीमारी होता है साटिका। अब साटिका बीमारी का लक्षण क्या है वो सुनिए। कमर के पास, कुल्हे के पास नस दबता है, झुनझुनाहट आता है और सुई की चुभन जैसा कभी कभी दर्द उत्पन्न होता है, या फिर कभी कभी नस जाम हो जाता है। अचानक चलते चलते नस जब जाम हो जाता है तो रोगी गिर जाएगा, ऐसा अनुभव होता है। कमर और कुल्हे के पास का नस जो है खींच लेता है, रोगी जमीन पर बैठ जाता है। अगर रोगी जमीन पर न बैठे तो यूं समझ लीजिए दोस्तों डायरेक्ट वह गिर सकता है, क्योंकि साटिका बीमारी में नसों में शॉर्ट मारता है, झुनझुनाहट होता है और ब्लड सर्कुलेशन बराबर न होने की वजह से नस सुन्न हो जाता है और नस अकड़ जाता है, जिसके वजह से रोगी गिर सकता है, मार लग सकता है। तो दोस्तों उसी बीमारी को साटिका कहते हैं जो कभी कभी शॉर्ट मारता है। तो दोस्तों साटिका बीमारी जो है एक तरह से वात से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों साटिका बीमारी के लिए यह बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी माना जाता है। इसके जड़ का इस्तेमाल किया जाता है 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम दूध के साथ, या फिर इस अनंत मूल का काढ़ा बाजार में भी मिलता है या आप खुद भी बना सकते हैं। उस काढ़े का डोज है 10 ml से लेकर 20 ml तक प्रतिदिन सुबह शाम। दोस्तों वात रोग से और कौन सा बीमारी पैदा होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे पैरालिसिस लकवा, यह भी एक तरह से वात रोग है। इसे वातों में सबसे बड़ा रोग माना जाता है, इसलिए इसका नाम है महावात रोग। इसे बहुत से भाषाओं में पक्षवात भी कहते हैं, क्योंकि अचानक इंसान का बीपी हाई होने की वजह से दिमाग के अंदर जो नस है वह दब जाता है, फट जाता है, जिसके वजह से रोगी अचेत हो जाता है, कोमा में चला जाता है और हाथ पैर का नस जो है सुन्न हो जाता है। हाँ इतना जरूर है दोस्तों कि हाफ साइट या लेफ्ट हो या राइट हो, लेकिन यह हाफ साइट ही अटैक करता है, यानी पैरालिसिस का अटैक जो है हाफ साइट ही होता है। तो दोस्तों इसी को पैरालिसिस ब्रेन अटैक कहते हैं, यह भी एक वात रोग ही है। इस वात रोग में भी, यानी लकवा पैरालिसिस में भी, अनंत मूल का काढ़ा फायदेमंद होता है। काढ़े का डोज 20 ml से लेकर 25-30 ml रोगी के रोग के अनुसार दिया जाता है। आगे और सुनिए दोस्तों, वात रोग में गठिया भी आता है। गठिया में क्या होता है, गांठ गांठ में सूजन हो जाता है। जैसे आपके हाथ है, पैर है, तो हाथ पैर में गांठ गांठ होते हैं, जैसे उंगली में 3 गांठ होते हैं, या फिर कलाई का गांठ है, ट्यूनी का गांठ है, या फिर शोल्डर का गांठ है। इस तरह से दोस्तों हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे गांठ होते हैं, उन गांठों के अंदर जो होता है कैल्शियम, वह कैल्शियम पानी जैसा पतला हो जाता है। कैल्शियम पतला होने की वजह से गांठ गांठ में सूजन आ जाता है और वह सूजन हड्डी के ऊपर तक फूल जाता है, यानी घुमड़ी निकल जाता है। रोगी को बहुत तकलीफ होता है, दर्द होता है, गांठ मुड़ता नहीं है,
मोड़ने पर बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। इस लक्षण को गठिया का लक्षण कहा जाता है और इसी को गठिया रोग कहा जाता है। इसमें दर्द और बुखार और सूजन ये तीनों साथ साथ में रहते हैं। तो इस बीमारी में भी दोस्तों अनंत मूल का काढ़ा या जड़ का पाउडर काफी फायदेमंद होता है। अब दोस्तों हम थोड़ा और आगे चलते हैं। एक घुटने का प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लो घुटने का जो वाटी है, डिस्क है, वह ढीला हो जाता है और वो डिस्क के चारों तरफ जो कैल्शियम होता है वह सूख जाता है और कैल्शियम के सूख जाने की वजह से जो घुटने का हड्डी होता है, हड्डी के ऊपर एक नरम परत होता है जिसे कुर्री कहते हैं। जैसे हमारे कान का हड्डी होता है नरम मुलायम, उसी तरीके से घुटने के कड़क हड्डी के साथ में एक नरम हड्डी होता है और उस नरम हड्डी के ऊपर कैल्शियम छुटता रहता है यानी ग्रीस, जिसके वजह से वह हड्डी फिसलने का काम करता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, रोगी का वो हड्डी के अंदर जो कैल्शियम बनना बंद हो जाता है जिसके वजह से हड्डी टकराने लगता है और धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है तो वहाँ का नरम हड्डी जो है घिस जाता है। तो दोस्तों नरम हड्डी घिसने की वजह से हड्डी टकराता है तो चुभन होता है, दर्द होता है, सूल होता है। ऐसे रोगियों को सांधिवात कहा जाता है, यानी यह भी एक वात का बीमारी है। तो ऐसे रोगों में भी दोस्तों अनंत मूल का जड़ या काढ़ा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से दोस्तों वात से उत्पन्न होने वाले दर्द, सूजन, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, गर्दन के दर्द, यानी दर्द किसी भी प्रकार का हो, सभी दर्द और बुखार सूजन में यह उपयोगी है। अनंत मूल इतना फायदेमंद होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया वात कफ पित्त तीनों पर काम करता है या अनंत मूल का जड़ काढ़ा। तो दोस्तों वात के बारे में तो आप समझ चुके हैं कि वात के जितने बीमारी सभी पे फायदेमंद है। अब समझ लीजिए कफ, तो कफ से उत्पन्न होने वाले जैसे निमोनिया, टीबी या कफ के अंदर किसी भी प्रकार का ब्लड का आना या फिर खांसी, दमा, फेफड़े को पूरी तरीके से ऑक्सीजन न मिलना या फेफड़ा कमजोर होना, फेफड़ा ऊपर नीचे ना हो पाना, जल्दी जल्दी स्लो हो जाना या फेफड़े के अंदर किसी भी तरीके का मार का लग जाना या फोड़े फुंसी हो जाना फेफड़े के अंदर, या फिर दिमाग में हमेशा दर्द होना, दिमाग में कफ के जम जाना। तो दोस्तों मैं कितना नाम आपको बताऊं, यानी समझ लीजिए कफ से जितने भी बीमारी उत्पन्न होंगे सभी बीमारियों पर यह उपयोगी है जड़ी बूटी, जिसे हम अनंत मूल या सरीवा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि शरीर की जितने भी बीमारी है सभी बीमारियों पर काम करने वाला या जड़ी बूटी, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष के जो पर्सनल बीमारी होते हैं उस पर भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो किसी स्त्री को बाल बच्चा नहीं हो रहा है, अंडाशय के अंदर कोई प्रॉब्लम है या गर्भाशय के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों जैसे गर्भाशय कमजोर है, गर्भाशय के अंदर बच्चा उत्पन्न होता है मगर कुछ महीनों के बाद खराब हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, बाहर निकल जाता है, गर्भाशय का पानी सूखने लगता है या फिर गर्भाशय के अंदर चिकनाहट नहीं है, कैल्शियम नहीं उत्पन्न होता है यानी लसलसा पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, गर्भाशय एकदम सूख चुका है या गर्भाशय के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है, नस दब चुका है या फिर गर्भाशय के अंदर चर्बी जम चुका है जिसके वजह से वहाँ का मसल कड़क हो गया है, मुलायम नहीं है, जिस तरह से गुम्बाड़ा होता है फुग्गा बलून उस तरीके से गर्भाशय का फैलना सिकुड़ना सिस्टम जो है वो अगर नहीं होता है तो ऐसे में भी बच्चा वहाँ पर पल नहीं सकता है, रुक नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों अगर गर्भाशय गुम्बाड़े जैसा फूलेगा नहीं तो बच्चा उसके अंदर पल नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे गर्भाशय जो है फैलता जाता है। तो गर्भाशय के फैलने के सिस्टम को पूरा करता है ब्लड सर्कुलेशन, जो गर्भाशय में ब्लड सर्कुलेशन बराबर होता रहता है तो उसके वजह से गर्भाशय जो है रबड़ के जैसा फैलता रहता है, लेकिन दोस्तों जब गर्भाशय में बराबर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो वह गर्भाशय जो है यानी बच्चेदानी बराबर फैल नहीं पाता है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन का शॉर्टेज होता है, कम खून का दौड़ान होने की वजह से मसल वहाँ का कड़क हो जाता है जिसके वजह से गर्भाशय क्रेक हो जाता है यानी बच्चेदानी फट जाता है। अब बच्चेदानी फटने के बाद उसके अंदर जो पानी भरा रहता है जिसमें वो बच्चा घूमता है वह पानी बाहर निकल जाता है, पानी निकलने की वजह से बच्चा सूख जाता है और खराब हो जाता है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए भी यह काफी फायदेमंद होता है अनंत मूल का काढ़ा या फिर इसके जड़ का चूर्ण।
तो दोस्तों स्त्रियों की समस्त बीमारियों पे समझ लीजिए यह उपयोगी है। अब रह गया दोस्तों पुरुषों के अंदर भी पाए जाने वाले बीमारियों पे यह उपयोगी है। तो दोस्तों बहुत सारे बीमारियों में यह उपयोगी है, मानसिक बीमारियों में उपयोगी है, पेट की समस्त बीमारियों में उपयोगी है, यहाँ तक कि दोस्तों अगर किडनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो किडनी को फायदा पहुँचाने वाला यह जड़ी बूटी है। अगर दोस्तों पेशाब के अंदर कोई प्रॉब्लम है, पेशाब का रंग बदला बदला सा है, तो उसमें भी यह फायदा पहुंचाने वाला जड़ी बूटी है। तो दोस्तों इस जड़ी बूटी के बारे में जितना भी बताया जाए कम ही कम है, समझ लीजिए बहुत ही उपयोगी यह जड़ी बूटी है।